के सपनों को हकीकत में बदलने की उड़ान। रॉक फ्यूजन, सुरों का काफिला। पिछली किस्त में आपने देखा कि हिंदुस्तानी मुसव्वरी की रवायत अहद कदीम से मौजूद है। हिंदू, बौद्ध और जैन मज़हबों की इबादत गाहें मुख्तलिफ नक्शो नगार और तस्वीरों से आरास्ता थीं। 10वीं सदी में ताड़ के पत्तों पर बने फन पारे मजहबी रस्म व रिवाज के लिए मखसूस थे। फिर हिंदुस्तान में इस्लामी हुक्मरानों की आमद के बाद मंजरनामा बदलता है और मिनिएचर पेंटिंग्स में अरबी और फारसी असरात दिखने लगते हैं। मिनिएचर पेंटिंग्स का सिलसिला हिंदुस्तान में मुगलिया सल्तनत के जेर असर फारसी के सफवी दबिस्तान मुसफरी और खालिस हिंदुस्तानी तर्ज मुसफरी के हसीन इम्तिजाज से वजूद में आता है, जो मुगलिया तर्ज मुसव्वरी के नाम से जाना जाता है। हकीकत निगारी, शाइस्तगी और लताफत, रंगामेजी की महारत और रंगों का हसीन इम्तिजाज इस तर्ज की खसूसियात हैं। इस दबिस्तान की सबसे नुमाया खसूसियत खत्ताती है। ये फन अकबर की सरपरस्ती में नुशूवो नुमा पाता हुआ अहद जहांगीर में अपने उरूज पर पहुंचता है और शाहजहां के दौरे हुकूमत में पुख्तगी और बालीदगी की मंजिल से आशना होता है। मगर औरंगजेब की सख्तगीर हुकूमत में ये फन मायल बतनजुल होता है और नवाबीन अवध के दौरे हुकूमत के एक जवाल पजीर फन की सूरत में इस पर जमूद तारी होता जाता है और 18वीं सदी के अवाखिर में बरतानवी हुकूमत की आमद तक ये फन अपने वजूद ही से दस्तबरदार हो जाता है। मुगल हुक्मरान मरकजी एशिया से हिंदुस्तान आए। वो अमीर तैमूर लंग की नस्ल से थे। उन्होंने शुमाली हिंदुस्तान से अपनी सल्तनत के क्याम का आगाज किया। 16वीं सदी के वुस्त से 17वीं सदी तक उनकी ताकत उरूज पर रही। उनका इख्तदार पूरे हिंदुस्तान पर कायम हो गया और मुगलिया सल्तनत को मशरक की अजीम ताकत तस्लीम कर लिया गया। मुगलिया अहद के उन मिनिएचर पेंटरों का फन पूरी तरह हुक्मरानों की मदद पर मुनहसिर रहा, जिससे इस फन का नशेब व फराज वही रहा जो मुगलिया सल्तनत का रहा। जब तक वो फलती फूलती रही, ये भी फलता फूलता रहा और जैसे ही उस पर जवाल आया, ये भी जवाल पजीर हो गया। बादशाह हुमायूं ने सबसे पहले इस जानिब कदम बढ़ाया और फारस से दो फनकारों को इस काम के लिए लाया। बादशाह हुमायूं और फिर उसके बेटे अकबर ने मिनिएचर पेंटिंग के फन को फारस से हिंदुस्तान में मुतारिफ कराया। कि मुगल एक्चुअली तुर्की थे। मुगलों की जबान, बाबर की जबान तुर्की थी, बट दीज वे पर्शियनाइज पीपल। तो पर्शियन इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग कैटेगरी। जैसे अरबों ने एक बार ईरान इराक़ के इलाके में कैप्चर किया, इन्वेट करके अपने एम्पायर में लाया, सेवन्थ सेंचुरी में। लेकिन पर्शियन बाद में हावी हो गए और उनकी ज़बान जो है मुसलमानों की ज़बान, जो इस्लामिकेट सोसाइटी कहलाती है या इस्लामिक सोसाइटी और मुस्लिम सोसाइटी ख़ासतौर से, क्योंकि इस्लाम कहने पे वो एक पॉलिटिकल कनोटेशन उसका आता है, लेकिन मुस्लिम करने पे एक कल्चरल सिविलाइजेशनल एक फ्रेमवर्क मिलता है। सो मुस्लिम सोसाइटी में जनरली, अगर हम मज़हब की बात नहीं कर रहे हैं, तो पर्शियन का बहुत ज़बरदस्त देखने को इन्फ्लुएंस मिलता है। और यही नतीजा है इसका कि बाबर और दूसरे जो मुग़ल जिनको हम हिंदुस्तान में कहते हैं, वो बेसिकली ख़ुद को तैमूरी कहते थे, या वो चगताई जो चंगेज़ ख़ान की के बेटे से के मुनासबत से वो ख़ुद को चगताई कहते थे। उनकी ज़बान तुर्की थी। बाबर ने भी अपनी तुर्क बाबरी या बाबरनामा जिसको कहते हैं वो तुर्की में लिखी। लेकिन जब वो हिंदुस्तान आते हैं तो न सिर्फ ये कि उनकी जो इंटेलेक्चुअल ज़बान है वो तो फ़ारसी है, लेकिन हिंदुस्तान में वो अपनी जो लोकल ज़बान है इस इलाके की उसको अडॉप्ट करते हैं।
तो मुग़ल हरम में या मुग़लों के किले में जो ज़बान बोली जाएगी वो आज की हिंदुस्तानी कहलाएगी। और जहाँ तक लिखने पढ़ने का ताल्लुक़ है, उन्होंने बाबर के बाद तो तुर्की छोड़ ही दिया था लोगों ने। हुमायूं, मुझे नहीं पता है कि हुमायूं ने कुछ तुर्की में कंपोज़ किया होगा, शायद एक नज़्म या पोएम या कुछ दीवान भी नहीं है, कुछ कंपोजिशन किया हो तो। लेकिन जो ज़बान है, इंटेलेक्चुअल ज़बान है या एडमिनिस्ट्रेटिव ज़बान है मुग़लों की, वो फ़ारसी है। और घर की जो ज़बान है और कल्चरल ज़बान है वो हिंदुस्तानी है। मुग़ल जब हिंदुस्तान में आए तो उन्होंने इस मुल्क में इंतशार का माहौल देखा। यहाँ के कौमी धारे को मुंजबित करने के लिए फारस वापस हुए ताकि कुछ रहनुमाई हासिल कर सके। तैमूरी नस्ल के होने की वजह से फारस से उनका लगाव बरकरार रहा। तारीखी एतबार से फारस और हिंदुस्तान का जोग्राफिया आज की बनिस्बत बहुत ज्यादा कुर्बत कर रहा है, यहाँ तक कि दोनों की सरहदें भी मिलती थीं। आज उन दोनों के बीच अफगानिस्तान हायल है। मुगलों से पहले भी दोनों मुल्कों के दरमियान तहजीबी इश्तराक के सबूत मिलते हैं। अकबर को फारस के बहुत से ओहदेदारों से मदद भी मिलती रही और उसके दौरे हुकूमत में इन ओहदेदारों में इजाफा भी होता रहा। सोलहवीं सदी के अवाखिर और औरंगजेब के दौरे हुकूमत तक उन्हें हिंदुस्तान में मुलाजमत मिलती रही। सिर्फ मुगल दरबारों तक ही नहीं बल्कि कई हिंदू सल्तनतों में जैसे बीजापुर और गोलकुंडा में भी ये लोग ऊंचे ओहदों पर फायज रहे। इसलिए हुकूमत फारसी जबान का इस्तेमाल जो अपने दरबारों और तमाम मामलों के लिए करती थी, इसे ही शुमाली हिंदुस्तान में भी राब्ते की जबान के तौर पर इस्तेमाल करती रही। मौजूदा मुकामी रस्म व रिवाज का इश्तराक भी बड़ी फराख दिली के साथ अमल में आया। लोगों के इफ़ाल व किरदार में भी फारसी और हिंदुस्तानी अनासर मुश्तरका नज़र आए। अदब, फ़न, फ़न तामीर और सनत व हिरफत, यहाँ तक कि बाग़बानी में भी दोनों मुल्कों की महारत का हसीन इम्तिज़ाज देखने को मिलता है। फारसी को अदालतों और आला ओहदेदारों के दरमियान सरकारी अदबी जबान की हैसियत हासिल हो गई, जो धीरे धीरे तालीम याफ्ता हिंदुस्तानियों और फिर आम लोगों की भी जबान हो गई। वहाँ शायद मज़हब के नाम पे वो डिस्क्रिमिनेट नहीं करते कि ये मुसलमान हैं और ये हिंदू हैं, बल्कि मेरे ख्याल से एथनीसिटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी उस मुग़लों के कॉन्टेक्स्ट में। एथनीसिटी कि कौन तुर्क है, कौन अफ़गान है, कौन हिंदुस्तानी है, कौन मराठा है, यू नो, इस ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। और सो लॉन्ग एज़ यू आर नॉट अपोज टू द पोलिटिकल अथॉरिटी ऑफ द टाइम, यू नो, इफ़ यू आर नॉट अपोज टू द अथॉरिटी ऑफ द मुग़ल एम्पायर, देन यू आर ए पार्ट ऑफ इट। और जिसका नतीजा है कि कंपोजिट कल्चर जो जिसमें हर तबके, हर मज़हब के लोग, हर एथनीसिटी के लोग, हर ज़बान के लोग फ्लरिश कर सकते थे। जैसे हमने बताया पहले कि वो तुर्क थे लेकिन फारसी ज़बान में आके बातें कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जो ज़बान है, ब्रज, अवधी और ये सारी चीज़ें, और पूरा वर्नाकुलर एक डोमेन इमर्ज होता है। ये हिंदी जो हम बोलते हैं, ये 14th सेंचुरी से इमर्ज हो रही है। पंजाबी, बंगाली, ये सारी लैंग्वेजेस इमर्ज हो रही हैं इस पीरियड में। इसमें पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें सूफियों और भक्तियों का योगदान बहुत 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 भक्ति जो संत हैं उनका योगदान बहुत है, क्योंकि उनकी कंपोजिशन देखिए, आपने जैन के बारे में कहा, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में, भक्ति लिटरेचर देखिए उस ज़माने का और सूफी लिटरेचर देखिए, ये यहाँ के आम आदमी की ज़बान में मज़हब की बातें कर रहे हैं, आम आदमी के ज़बान में, एक ऐसे पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में जहाँ हॉस्टिलिटी नहीं है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है, और जिसको हम बाद में सिंक्रेटिज्म, सिंथेसिस भी कहते हैं, जिसमें मुश्तरका तहजीब कहते हैं उर्दू में वो, और या गंगा जमनी तहजीब है, कि जिसमें ये तफरीक नहीं करते हैं कि अरे वो आप हिंदू हैं तो अलग हैं, मुसलमान हैं तो अलग हैं, हिंदू यहाँ के हैं, मुसलमान फॉरेनर हैं, ये सब कैटेगरीज़ नहीं थी, ये सब कैटेगरीज बाद की हैं। ये ज़रूर था कि लोग ये जानते थे कि वो राजपूत हैं, कि मराठी हैं, मराठा हैं, या अफ़गान हैं, या मुग़ल हैं, ईरानी हैं या तुरानी हैं, ये कैटेगरीज़ इंपॉर्टेंट थी। ये ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानते कि वो मुसलमान हैं या नहीं हैं, ऐसा नहीं था, बट ये जो कम्युनल कंसोलिडेशन जो हुआ है मज़हब के नाम पे, वो शायद बात की चीज़ है। मिनिएचर पेंटिंग भी हिंदुस्तान में दरामद किए जाने वाले बहुत से फ़नून और सनतों में से एक है
जो यहाँ के माहिर दस्तकारों में मुंतकिल हुई है। बादशाह भी ज़ाती तौर पर इनके फरोख में दिलचस्पी लेते थे, उनके फरोख के तरीकों का तायुन करते थे। हिंदुस्तान और फारस के माहिरीन दोनों के कदरे मुश्तरक का ध्यान रखते और ख़ुद भी पेंटिंग में अपने ख्यालात की तर्जुमानी करते थे। मुगलिया दबिस्तान के मिनिएचर आर्ट से, जो इस सल्तनत के बानियों की तहरीक से अमल में आया था, उस वक्त के हुक्मरानों की ज़हनियत की झलक भी सामने आती है। इससे न सिर्फ मुगल दरबार की इजारादारी झलकती है, बल्कि हिंदुस्तानी फनकारों की कौम परस्ती का भी इजहार होता है। फनकार जो ब्रश पर अपनी महारत रखते थे, एक नए स्टाइल और टेक्निक से आशना हुए और अपनी अलग शिनाख्त बनाने में कामयाब हुए। भारतीय लघु चित्र जो हैं, उनकी एक अपनी विशेषता है, उसको अंग्रेजों ने नाम दिया है मिनिएचर। मिनिएचर्स मीन मिनी प्लस पिक्चर, तो वो मिनिएचर हो गया। इसका मतलब हमारी जो पिक्चर्स हैं वो छोटे साइज़ की थी, छोटे कैनवास में थी, तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि जब यूरोप में बड़े साइज़ की पेंटिंग बन रही थी, तब इंडिया में छोटे साइज़ की पेंटिंग बन रही थी, छोटे कैनवास पे, छोटे पेपर पर, हैंडमेड पेपर पर। तो हैंडमेड पेपर पे पिक्चर बनाना ही इसको दूसरे आर्ट फॉर्म से अलग करता है। फिर इसकी जो माइन्यूट वर्कमैनशिप है या ड्राफ्टमैनशिप जिसे कहते हैं, वो इतनी अलग है यूरोपियन आर्ट से या इंडिया के दूसरे आर्ट से, कि वो उसको अपने आप में अलग कर देती है। इसलिए उसको ये डिफ्रेंशिएट करना कि वो अलग है ही, उसको देखते ही अलग पता चल जाता है कि ये मिनिएचर्स हैं, ये हिंदुस्तान के या इंडिया के ये मिनिएचर्स हैं। मुगल दरबार के आर्ट में इस नए तरीके की आमेजिश ने न सिर्फ बर्ताव को बल्कि जज्बात और मुहर्रिकात को भी मुतासिर किया। ये राजपूताना हलके से ज्यादा वाबस्तगी इख्तियार करता है। जहां मुगल आर्ट दरबार की मादी जिंदगी का खाका पेश करता है, वहां राजपूताना तस्वीर में हिंदुस्तानी रिवायत, खानगी मौजूआत, वतन परस्ती और अकायद की झलक मिलती है। जो देखने में आता है कि ये दो तरफा है और पीसफुल है, और वो दोनों एक दूसरे से बॉरो कर रहे हैं, और मुग़लों को राजपूतों की ज़रूरत थी, राजपूतों को भी मुग़लों की ज़रूरत थी, और मुग़ल भी एक तरह के राजपूत थे। मुग़ल भी उसी तरह के राजपूत थे जैसे अफ़गान भी एक तरह के राजपूत थे, राजपूतों की नज़र में, कि दीज आर मार्शल रेसेज, दीज आर पोलिटिकल, यू नो, दीज आर पोलिटिकली स्ट्रॉन्ग पीपल, दीज आर मिलिट्री पीपल, एंड दीज आर द पीपल हू हैव द पावर टू रूल। सो उनके जो ताल्लुकात हैं वो देखने में आएंगे साफ साफ कि ये दो तरफ़ा हैं, और इसमें के राजपूत हिंदू हैं और मुग़ल मुसलमान हैं, ये बात की चीज़ है और ये पॉलिटिकल चीज़ है। कल्चरल लेवल पे उस तरह की क्वेश्चनिंग नहीं देखने को मिलती है। ये भी ज़रूर है कि शायद मुग़ल अपनी बेटियों को राजपूत प्रिंसेस से शादी नहीं करने देंगे, ठीक है, क्योंकि मुग़लों के नज़दीक राजपूत उनसे इन्फीरियर हैं, लेकिन राजपूत अपनी बेटियों को मुग़लों को देंगे क्योंकि वो दे आर द सुपीरियर पीपल, दे आर दी, यू नो, द मोर डोमिनेंट पीपल। जैसा आमतौर पे होता है कि मैरिटल अलायंसेस में हमेशा ये कोशिश करी जाती है कि बेटियों को बड़े घर में दिया जाएगा, यू नो, सो वो साफ साफ देखने को मिलता है। लेकिन शायद कमनल पॉइंट ऑफ व्यू से लगेगा कि नहीं, ये तो दुरुस्त नहीं है, ये एक तरफा मामला है, लेकिन ये ऐसा था। फारसी मुसव्वरी में खतूत और रंगों के इस्तेमाल की तरह हिंदुस्तानी मुसव्वरी में भी ये दोनों खसूसियत पूरी आबोताब के साथ जलवागर हैं। मुगलिया दौर के हिंदुस्तानी दस्तकार रंगों की नक्काशी पर खास जोर डालते हैं, जिनका बेहतरीन इजहार कपड़ों में की गई तस्वीर कशी, मुलम्माकारी और फन तामीर में मिलता है। रंगों का ये इस्तेमाल नज़रों को खीरा करता है। ये रंगीन माहौल की फितरत की वजह से भी हो सकता है। देखिए, जिन्हें हम पर्शियन मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं, वो भी एक तरीके के नहीं थे। उसमें तिमुरिद है, उसमें सफाविद है, उसमें कजार है, उसमें फिर आप देखेंगे आज भी पर्शिया में, जो कि जिसे हम ईरान आज कहते हैं,
और उस वहाँ पे अभी भी मिनिएचर पेंटिंग प्रैक्टिस होती है, जैसे हिंदुस्तान में होती है, जैसे यहाँ होती है। इस तरह के मखतूते मतन की वजाहत करने वाली तस्वीरों से मुजयन हुए कि कलमकार का कलम मंसूर के ब्रश के सामने आजिज होता। फन खताती इसमें सबसे ज्यादा नुमाया है। इन तस्वीरों के नक्शोनिगार में गनाई कैफियत पाई जाती थी और ये इस पूरे अहद में बाकी रही जब तक ये आर्ट हिंदुस्तान में जिंदा रहा। ये देखिए कल्चर जो फारसी का था या पर्शियन कल्चर था, ये इस वक्त इलीट कल्चर है जिस वक्त की हम बात कर रहे हैं। ये जब बाबर अपने को अलग करना चाहते थे तो मेमोर्स उन्होंने तुर्की में लिखा, हालांकि उनकी कोर्ट लैंग्वेज फारसी की थी। और तो ये इस चीज़ को अगर हम समझें तो हम ज़रा और अच्छी तरीके से ये समझ सकेंगे कि ये जो टेक्स्ट और इसका है, ये भी एक कल्चर जो है वो पर्शिया से आया है और इसके ये कॉनोसियर्स हैं, इसके ये हिमायत करने वालों में से हैं और इसको पसंद करने वालों में से हैं। और इन्हों तो जब वो आर्ट बनवाते थे तो उसी किस्म की बनवाते थे। इसमें शाहनामा भी बनवा रहे हैं जो कि बिल्कुल ही पर्शियन मैन्यूस्क्रिप्ट वो है, लिटरेचर है उसमें वो। वहाँ पे तो पता नहीं कितने शाहनामा होंगे फारसी में, सब इलस्ट्रेटेड नहीं, क्योंकि हर आदमी इलस्ट्रेट नहीं करा पाता था, कुछ इलीट लोग ही करवा पाते थे। तो मुग़लों ने उसको इलस्ट्रेट भी करवाया है, कई कहानियों को उन्होंने, हमजा नामा है जैसे एक ही नए मैंने एक एक नया जिसे कहना चाहिए लिटरेचर को उन्होंने इलस्ट्रेट कराया हमजा नामा के नाम से। उसके कुछ आपको नेशनल म्यूजियम में मेरे ख्याल से हैं वहाँ पे भी। फारसी चेहरे 15वीं सदी के दौरान कल्पसूत्र के मखतूते में दिखाए जाने वाले गहरे नीले और सुनहरे रंगों के इस्तेमाल का तारुफ पेश करते हैं और सरहदों पर नजर आने वाले शिकार के मनाजिर मगरबी हिंदुस्तान से तर्ज मुसव्वरी पे असरअंदाज होने वाली फारसी तर्ज मुसव्वरी के आगाज की निशानदेही करते हैं। हिंदुस्तान में आने वाली ये फारसी मुसव्वरी मखतूते की शक्ल में थी। इस मखतूते की बेहतरीन मिसाल नेमतनामा यानी खाने पकाने के तरीके पर मुश्तमिल किताब की शक्ल में पेश की जा सकती है, जिसे मुसव्वरी की एक नई जहत के तौर पर मालवा में पेश किया गया है। खताती की इब्तिदा मालवा के गयासुद्दीन खिलजी से होती है और नेमतनामा में दिखाए गए बादलों के गोले, फूलों से लदे हुए दरख्त, पस मंजर में औरतों के मलबूसात में फारस के असरात साफ नजर आते हैं। इस मखतूते में खालिस हिंदुस्तानी और फारसी तर्ज की आमेजिश से एक नई मुसव्वरी को नमूदार होते हुए देखा जा सकता है। बाद में चल करके ये दो परंपराएं मांडू में जीवित हुई। मांडू में सुल्तानेट पीरियड में सुल्तानों ने प्रश्रय दिया हिंदुस्तान की आर्ट को और उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें कहीं कहीं पर इस्लामिक एलिमेंट्स आ गए और बकायदे के मूल जो उसकी धार्मिक आस्था है, मूल भावना है या मूल आत्मा है, वो बात पिस वही हिंदुस्तान की बनी रही, जैन और बुद्धिस्ट आर्ट बनी रही। और मांडू में एक बहुत मशहूर कल्पसूत्र लिखा गया 1439 में, जैन कल्पसूत्र की रचना हुई, वो उसमें पूरे के पूरे फीचर्स जो हैं, जो इमेजेस हैं, उसमें इस्लाम का असर दिखाई देता है। उस शाह जो वो समय रहा होगा, सुल्तान रहा होगा, उसकी आइकोनोग्राफी तक मिलती है, उसकी दाढ़ी की तरह से जैन मुनियों की दाढ़ी बना दी, इस तरह का स्वरूप तक मिलता है। तो इससे पता लगता है कि उसमें ये ब्लेंड हुआ वहाँ पर। और उसी के साथ में दूसरी बात हुई, वहीं पर मांडू में नेमतनामा जैसी एक किताब लिखी गई और उस तरह के बुक्स लिखे गए जो मुस्लिम राइटर्स ने लिखी थी। उसमें किताबें तो हैं वो दूसरे विषयों की, लेकिन उसमें इमेजेस ली गई हैं, तस्वीरें हैं, व्यक्ति चित्र हैं। तो व्यक्ति चित्र इस्लाम में परमिटेड नहीं थे, ये हिंदुस्तान की परंपरा से लिए हैं। एक तो देखिए चेहरे अलग हैं, दे हैव मोर जो उनके फीचर्स हैं वो अगर आप हमारे देखें उसमें
वेस्टर्न में देखें जिसको पॉपुलरली जैन मिनिएचर भी कहते हैं, या पाल में देखें, या फिर जो जो मुग़लों के आने से पहले बहुत हद तक राजस्थान से जो हमें एग्जांपल्स मिलते हैं, तो उसमें आप देखेंगे कि दूसरे फीचर्स हैं। जाहिर है कि वो फीचर्स वहाँ के रीजनल ज़्यादा हैं, अनलेस वो फॉरेनर्स को दिखाना चाहते हैं। और ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग डिटेल है कि बाज़े वक़्त जब हमारे वेस्टर्न मिनिएचरिस्ट्स को फॉरेनर दिखाने की ज़रूरत होती थी, तो वो जो पर्शियन मिनिएचर के जो चेहरे होते थे वो वहाँ पे दिखाए जाते थे। अब इट ओनली इज़ वेरी सिम्बॉलिक टू अ ग्रेट एक्सटेंड, बिकॉज दैट बिकम्स अ फॉरेनर, वो जो है वो जिसे कहते हैं गैर बन जाता है, वो आपका अपना नहीं है, वो गैर है। जैसे 1739 में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया तो उसने इंपीरियल लाइब्रेरी पर भी हमला किया और मुगलिया मखतूते और मिनिएचर भी दीगर कीमती असासों के साथ लूट कर तेहरान ले गया। इसमें जहांगीर और शाहजहां के दौर की मोहरें थीं। फारस की बर्बादी के 30 साल बाद रोहिला की जंग के दौरान इन फनून के बहुत से नमूने बर्बाद हो गए। पहले के बैकग्राउंड में कुछ नहीं था, खाली कहीं कहीं पर फ्लावर्स वगैरह बना देते थे, वो भी डेकोरेटिव फ्लावर्स टाइप के, जैसे कोई टेपेस्ट्री बीच पीछे लगी हुई हो या कोई ड्रेपरी लगी हो, उस तरह का हो जाता था। लेकिन यहाँ पर आकर के पूरे चित्र बनते हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड है, उनके पीछे जंगल आ जाते हैं, उनके पीछे पहाड़ आ जाते हैं, उनके पीछे इमारतें आ जाती हैं, ये सारा का सारा स्वरूप बदलना शुरू होता है। तो वो 150 साल करीब बड़ा निर्णायक पीरियड है, उस पीरियड में ही ये तय होता है कि आगे की आर्ट का स्वरूप क्या होगा। और एक महत्वपूर्ण आर्ट स्टाइल का जन्म होता है, एक तरफ सुल्तानेट आर्ट कहलाती है, दूसरी तरफ चौरपंचाशिका आर्ट स्टाइल कहलाती है। जो हिंदू आर्ट का जन्म होता है वो चौरपंचाशिका से होता है, और जो मुस्लिम आर्ट का, इस्लामिक आर्ट का जन्म होता है वो एक तरह से सुल्तानेट आर्ट से होता है। दोनों आर्ट पद्धतियाँ सामंजस्य में एक साथ साथ चलती हैं। कल्पसूत्र जो है वो बेसिकली जैन तीर्थंकरों के जीवन से जो संबंधित एपिसोड्स हैं जिनको कहना चाहिए वो हैं, और उनके साथ में काफ़ी कुछ उन में लिखा हुआ है, उनके साथ में उनकी जो कहानियां हैं वो हैं। इनके सिवा कालकाचार्य कथा और वसंत विलास जो है वो एक सेक्युलर टेक्स्ट है, जो नॉन रिलीजियस जिसको कहना चाहिए, वो किसी धर्म से संबंधित नहीं है, पर वसंत विलास में भी काफ़ी का भी एक मैनुस्क्रिप्ट मिलता है। और कालकाचार्य कथा जो है वो भी कालका और एक इसमें दो कैरेक्टर्स हैं उनके बीच के संवाद का वर्णन है, और इनमें अक्सर तारीख का जिक्र होता है और पेंटर का और किसने उसको पेट्रोनाइज किया, ये इन्फॉर्मेशन भी इन मैनुस्क्रिप्ट्स में मिलती है। और जब ये पेपर में बाद में इवन पश्चिम भारत में भी पेपर पर बनने लगे, जब हम बाद में देखेंगे राजपूत पेंटिंग्स का जब वो हुआ, स्पेशली राजस्थान और मालवा में, तो वहाँ भी पेपर फिर धीरे धीरे सब जगह फैलने लगा। बाद में मराठों को कुछ तस्वीरें दस्तियाब हुईं, जिन्हें उन्होंने पूना के पेशवाओं और सताना के राजाओं के पास दकन भेज दी। लेकिन 1857 की जंगे आज़ादी में इस लाइब्रेरी की तमाम चीज़ें और तस्वीरें पूरी तरह बर्बाद हो गई। अब ये खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है, लेकिन किसी तरह इनको वापस भी ले आया जाए तो सिर्फ उन गरां कद्र फनी नमूनों का एक जुज ही तश्कील दे सकते हैं जिन पर 2 सदियों तक मुगलों को नाज रहा है। आज की किस्त में आपने देखा कि मिनिएचर पेंटिंग्स का सिलसिला मुगलिया सल्तनत के तहत फारसी और खालिस हिंदुस्तानी तर्ज मुसव्वरी के इम्तिजाज से वजूद में आया। हकीकत निगारी, शाइस्तगी और लताफत, रंग आमेजी की महारत और खत्ताती मुगलिया तर्ज मुसव्वरी की नुमाया खसूसियात हैं।